हरियाणा में भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। विधायक सोमवीर सांगवन, रणधीर गोलिन और धर्मपाल गुंदेर ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद थे। इन लोगों के समर्थन वापस लेने के बाद से ही विपक्ष उत्साहित और फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा है। इसकी वजह यह है कि 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में भाजपा के पास 40 ही विधायक हैं। नायब सिंह सरकार को 2 निर्दलीय विधायकों नयनपाल रावत और राकेश दौलताबाद का समर्थन हासिल है। इसके अलावा गोपाल कांडा भी भाजपा के साथ हैं। राज्य के 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इससे सदन की संख्या 88 ही है और बहुमत साबित करने के लिए 45 के समर्थन की जरूरत है। भाजपा के पास 2 विधायक कम हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और हाल ही में भाजपा से अलग होने वाले जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला भी विश्वास मत प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि नायब सिंह सैनी सरकार ने हाल ही में फ्लोर टेस्ट पास किया है, इसलिए अब 6 महीने से पहले दोबारा नहीं कराया जा सकता। वहीं दुष्यंत चौटाला आक्रामक हो गए हैं। उनका कहना है कि यदि नेता विपक्ष सोचते हैं कि भाजपा की सरकार को गिरा दिया जाए तो हम उन्हें समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि नायब सैनी को अपना बहुमत साबित करना चाहिए या फिर नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 12 घंटों में बहुत तेज हुई है प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 MLA ने नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। उनकी सरकार अल्पमत में है। इसके अलावा दिग्विजय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांग की है कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करें। जजपा के विधायक और कुछ निर्दलीय कांग्रेस का समर्थन करेंगे। ऐसे में हरियाणा में बाजी पलट भी सकती है, लेकिन स्पीकर तकनीकी पेंच का हवाला देते हुए भाजपा सरकार को अभेदान दे सकती है। वहीं कांग्रेस नेताओं को लगता है कि भाजपा खेल भी कर सकती है, ऐसे में सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जजपा से कहा है कि वो गवर्नर को पत्र लिखें कि भाजपा का समर्थन नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो फिर हम राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। यदि जजपा वाले भाजपा की बी टीम नहीं है तो फिर उन्हें गवर्नर को तत्काल लिख देना चाहिए। दरअसल खबर ये भी है कि जजपा के 10 में से 5 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं।